नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। कांग्रेस के पाप के छींटे अब उसके खुद के ही कपड़ों पर पड़ने लगे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जानबूझकर ना जाने का गुनाह कांग्रेस को कई सालों तक भारी पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बीजेपी में जाने की सुगबुगाहट के बीच राजस्थान में चार बार के विधायकों के साथ ही वरिष्ठ आदिवासी कांग्रेसी नेता ने भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय बोलकर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो चलिए बताते हैं आखिर कौन है वो नेता जिसने कांग्रेस को दिया है जबरदस्त झटका। एक तरफ कांग्रेस महाराष्ट्र में पूरी तरह से बैकफुट पर है, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से भी कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और आदिवासी समुदाय से आने वाले वरिष्ठ आदिवासी कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा का दामन थाम लिया है। लोकसभा चुनाव से एन पहले मालवीय को पार्टी को छोड़ना दक्षिणी राजस्थान में उसके लिए बड़ा झटका है। मालवीय ने साफ शब्दों में कहा कि एक ओर पीएम मोदी की राष्ट्रवादी और सनातन प्रेमी नीतियां हैं, दूसरी ओर भगवान राम का विरोध करने वाली कांग्रेस है। वो काफी समय से मन ही मन कांग्रेस के राम विरोध से खुद को कुंठित महसूस कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने से कांग्रेसियों को मना करने से उन्हें लगा कि कांग्रेस के पापों का घड़ा भर गया है, अब कांग्रेस में रहना मुनासिब नहीं होगा। इसके चलते उन्होंने राष्ट्रवादी बीजेपी से नाता तोड़ लिया है। बागी दौरा बांसवाड़ा से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और पार्टी ज्वाइन करते ही उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। जयपुर के बीजेपी कार्यालय में भाजपा नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने उन्हें भाजपा ज्वाइन कराई। भाजपा ज्वाइन करने के बाद मालवीय ने मांग की कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस पर काम करने के लिए कहा था, लेकिन राजस्थान ने कोई पहल नहीं की है, अब वो इसके लिए जी जान से जुट जाएंगे। दरअसल पिछले तीन दिनों से मालवीय दिल्ली में डटे थे और लगातार बीजेपी के नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उन्हें शाह से मिलने लेकर गए थे। मालवीय ने भाजपा में शामिल होने के बाद कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से जब कांग्रेस पार्टी ने मना कर दिया, तब मुझे सबसे ज्यादा ठेस लगी। मुझे लगा कि मैं किस पार्टी का साथ दे रहा हूं जो हमारे आराध्य भगवान श्री राम की ही विरोधी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इस दौरान हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई विजन नहीं है। अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है तो भाजपा के अलावा आदिवासी अंचल में काम करने वाला कोई नहीं है। मालवीय के इस्तीफे के बाद बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के साथ इस सीट पर उपचुनाव हो सकते हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी रह चुके चार बार के विधायक महेंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। मालवीय को वागड़ क्षेत्र का दिग्गज नेता माना जाता है। आदिवासी इलाके में मालवीय का मजबूत वर्चस्व है। बता दें कि मालवीय के अलावा आधा दर्जन कांग्रेसी नेताओं के बीच बीजेपी ज्वाइन करने की जमकर चर्चाएं चल रही है। पूर्व मंत्री मालवीय ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला करते हुए कहा कि उनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं और कांग्रेस में ही उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता है। इसी वजह से कोई कांग्रेसी पार्टी से नाराज चल रहे हैं और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अलविदा कह सकते हैं। इसी बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने मालवीय के पार्टी छोड़ने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन्हें पूर्व सीएम नकारा निकम्मा कहते हैं, वो तो पार्टी के साथ है और जिनको खास करीबी कहा जाता है वो पार्टी छोड़ रहे हैं। मालवीय चार बार के विधायक और एक बार एमपी रह चुके हैं। इससे पहले मालवीय एबीवीपी के संगठन से स्कूल में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। कॉलेज में भी एबीवीपी संगठन से जुड़कर ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर रहे। 1998 में बीजेपी के टिकट पर ही लोकसभा सांसद बने, लेकिन वो बाद में कांग्रेस में चले गए थे। इस दौरान मालवीय गहलोत सरकार में भी कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन अब वो फिर से अपने परिवार में लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब पूरी उम्र बीजेपी के साथ रहकर कार्य करूंगा। भाजपा ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि 1977 में गांव से पैदल चलकर आया।
एक दिन में 50 किलोमीटर तक का सफर किया, विश्व हिंदू परिषद ज्वाइन किया, एबीवीपी के बैनर पर प्रेसिडेंट बना, एबीवीपी के बैनर से वाइस प्रेसिडेंट बना, मुझे अब भाजपा में आने का मौका मिला, गांधी परिवार के करीबियों का पार्टी छोड़ना जारी है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बाद खुद को देश का भावी प्रधानमंत्री मानने वाले राहुल गांधी के रवैये के कारण कांग्रेस में असंतोष का माहौल है। हाल के सालों में राहुल गांधी के कारण पार्टी के कई दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर हुए हैं। अब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी महाराष्ट्र कांग्रेस के एक बड़े नेता अशोक चव्हाण ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान 12 फरवरी को अशोक ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ वो बीजेपी में शामिल हो गए। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में कांग्रेस की नैया छोड़ने वाले तीसरे दिग्गज नेता हैं। इससे पहले हाल ही में दक्षिण मुंबई के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा और पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी ने पार्टी को बाय बाय बोला था। 13 पूर्व मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं कांग्रेस। राहुल गांधी के कारण कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कार्यशैली से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी कतार है। हालात इतने बदतर है कि पिछले 9 साल में 13 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने 12 फरवरी 2024 को इस्तीफा देकर कांग्रेस के अंदर भूचाल ला दिया था, तूफान ला दिया था। बोकर सीट से विधायक अशोक चव्हाण कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। उन्होंने 2014 में नांदेड़ लोकसभा से जीत हासिल की थी। अशोक के पिता शंकर राव चव्हाण भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। अशोक चव्हाण और शंकर राव महाराष्ट्र में पिता पुत्र की एकमात्र जोड़ी हैं जो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष रह चुके अशोक चव्हाण महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रह चुके हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद अशोक ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के इस दिग्गज नेता के बाहर जाने से राज्य में पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। अविभाजित आंध्र प्रदेश के आखिरी मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रेड्डी ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा दे दिया था। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है और आलाकमान के गलत फैसलों की वजह से पार्टी राज्य दर राज टूट रही है। ये एक राज्य की बात नहीं, लगभग सभी राज्यों का यही हाल है। पार्टी आलाकमान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो यही सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ और देश की जनता सही, बाकी सब गलत है। इसी विचारधारा की वजह से मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। उनके लिए एक पुरानी कहानी कि मेरा राजा बहुत बुद्धिमान है, वो अपने आप नहीं सोचता और ना ही किसी का सुझाव मांगता है। आप सबको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के नज़दीकी रहे गुलाम नबी आज़ाद ने अगस्त 2022 में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को भेजे अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में लिए जाने वाले फैसले जनहित और देश हित के लिए नहीं होते, बल्कि कुछ लोगों के हित स्वार्थों की पूर्ति के लिए होते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से किनारा कर अपनी नई पार्टी बना ली है। गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफे के दौरान आरोप लगाया कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बेहद अपरिपक्व नेता है और बहुत ही बचकाने व्यवहार करते हैं। आज़ाद ने यह भी आरोप लगाया कि अब सोनिया गांधी नाम मात्र की ही नेता रह गई है, क्योंकि पार्टी के सारे फैसले राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड और निजी सहायक करते हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ने के साथ सोनिया गांधी को भेजे 7 पन्नों के इस्तीफे में सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि सोनिया ने बंद आंखों के उनके अपमान का तमाशा देखा है, हालातों के लिए सीधे सीधे राहुल प्रियंका की दोषी ठहराया है। साथ ही कहा कि उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कांग्रेस में कोई अन्य नेता उस अपमान का शिकार नहीं होगा जो मुझे झेलना पड़ा। कांग्रेस छोड़ने के लिए सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिद्धू उम्र का लिहाज किए बिना उनको बेइज्जत करते रहे, राहुल प्रियंका और हरीश रावत उनको शह देते रहे और ऐसे समय में आप यानी कि सोनिया गांधी सब कुछ जानते बूझते हुए भी आंखें मूंदी बैठी रही। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे भी कांग्रेस से नाता तोड़ चुके हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ने के साथ विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा देते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस आलाकमान ने
उनसे किया वादा नहीं निभाया। कांग्रेस को अलविदा करते हुए राणे ने कहा कि मैंने 12 साल पहले जब शिवसेना छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, तब सोनिया गांधी और उनके राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल ने मुझे मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था मैडम। यानी कि सोनिया गांधी ने तो मुझे दो बार कहा था कि मुझे सीएम बनाया जाएगा, लेकिन वो दोनों बार इससे मुकर गए। राणे ने आगे कहा कि कांग्रेस के कर्ता धर्ता पार्टी को आगे ले जाने के इच्छुक नहीं है। इससे पहले वो शिवसेना में थे और 1999 में 6 महीने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। अभी नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा भी लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आ रही है। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।